स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। खरीफ की बड़ी फसलों में शामिल धान की सरकारी खरीद चालू है। पंजाब हरियाणा समेत 15 से ज्यादा राज्यों में सरकारी रेट पर धान की खरीद हो रही है। सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अब तक देश भर में जितना भी धान खरीदा गया है उसका 54.45% धान तो अकेले पंजाब से ही खरीदा गया है। वहीं 11 दिसंबर तक बीते साल के मुकाबले करीब 60 लाख टन से ज़्यादा धान की खरीद हो चुकी है। 40 लाख से ज़्यादा किसान सरकारी खरीद का फ़ायदा उठा चुके हैं। देश में रिटेल का करीब $950 बिलियन सालाना का कारोबार है। इस कारोबार से लगभग 45 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं देश में कुल खपत 40% हिस्सा रिटेल कारोबारी का होता है, लेकिन इस कारोबार को ख़त्म करने और इस पर कब्जा करने के लिए ई कॉमर्स कंपनियां गैर कानूनी तरीके से कारोबार कर रही हैं, धड़ल्ले से चीन का बना सामान बेच रही हैं। यह ई कॉमर्स कंपनियां देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाना चाहती हैं। देश दुनिया में छाए कोविड-19 के संकट के बीच अब इसके वैक्सीनेशन को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। राजस्थान में भी वैक्सीनेशन को लेकर अब तेजी से तैयारियों की अमली जामा पहनाया जा रहा है। राजस्थान में स्टेट लेवल के 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, जिसमें जयपुर, उदयपुर और जोधपुर शामिल हैं। जोधपुर के झालामंड स्थित चिकित्सा भवन में इसके कार्यालय को स्थापित करने के अलावा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सर्दी के इस मौसम में देश की राजधानी दिल्ली का मिजाज गर्म है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान देश की राजधानी में डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच में 5 बार बात भी हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और सरकार कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव देकर के किसानों को मनाने की कोशिश भी कर रही है। कृषि कानूनों की वापसी के अलावा किसानों की एक प्रमुख मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लेकर के भी है। देश में कोरोना वायरस के अब तक 98,81,380 मामले आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 27,071 नए मरीज मिले और रविवार को कुल 336 लोगों की मौत हुई और 30,695 लोग रिकवर भी हुए। भारत में कोरोना के संक्रमण से अब तक 1,43,352 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 93,83,879 लोग ठीक भी हो चुके हैं। लालसोट नगर पालिका के 35 वार्डों का चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा को बराबर सीटें हासिल हुई। कांग्रेस ने 13 सीटें जीती तो भाजपा ने भी 13 सीटों पर ही जीत हासिल की। निर्दलियों ने 9 सीटों पर अपनी बाजी मारी है। साथ ही साथ निर्दलियों पर दाव लगाकर बैठी का पालिका बोर्ड। आपको बता दूं, दोनों ही पार्टी लग रही हैं समीकरण बनाने में। अब देखना यह है कि किसके सर पर होगा जीत का सहरा। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।